नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं अपने भाषण में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म्स कर रहा है, उसका आधार है भारत के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास। भारत का सामर्थ्य दुनिया के सभी देश से जरा भी कम नहीं है। इस सामर्थ्य के आगे आने वाली हर रुकावट को दूर करना हमारी सरकार का दायित्व है और इसके लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है, उतनी पहले कभी नहीं रही। स्पेस सेक्टर और स्पेस टेक को लेकर आज भारत में जो बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी, दूसरा सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका, तीसरा भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवी की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है, ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है। और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं, एनेबलर की भूमिका निभाएगी। साथियों, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करने के लिए देश ने इन स्पेस की स्थापना भी की है। इन स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी मामलों में एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इससे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को, उसके प्रोजेक्ट्स को और गति मिलेगी। साथियों, हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवी के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन भी साझा लक्ष्य बन गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दाल और खाद्य तेलों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाद्य तेलों और दाल के दामों में अचानक तेजी देखी जा रही है और भारत सरकार की ओर से इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। उन्होंने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जाए और खाद्य तेलों के दाम नियंत्रित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। सीएम योगी ने कहा है कि त्योहारों का समय शुरू हो चुका है और प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए सभी नियोजित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि डेंगू डायरिया सहित विभिन्न वायरल बीमारियों से बचाव के लिए सर्विलांस को बेहतर करते हुए हर एक मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी भी की जाए। तो खाद्य तेल जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा त्योहारों के मद्देनजर जो बीमारियां लगातार प्रदेश में फैल रही हैं, उस पर भी नजर रखी जाए। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो यूपी सरकार और बीजेपी पर हमला करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती हैं। इसी के चलते गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 3 घंटे के लिए मौन व्रत रखती हुई नजर आई। बता दें कि इसके बाद वो हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास भी मौन व्रत रख रही हैं। पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह के मुताबिक प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रखा और मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस की मांग है कि पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मंत्री अपना इस्तीफा जरूर दें। जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। लखीमपुरी खीरी मामले को लेकर लगातार प्रियंका गांधी हर मुद्दे को उठा रही हैं, हर एक पहलू को रख रही हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए बवाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की पुलिस कस्टडी रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई हो गई है। वही सुनवाई के दौरान आशीष को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हुई। बता दें कि आशीष मिश्र की पुलिस कस्टडी पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अलीगढ़ आए उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने प्रियंका गांधी की ओर से रखे जाने वाले मौन व्रत पर सवाल जवाब में कहा है कि किसानों के हित की बात जब भी देश में आई है हमेशा कांग्रेस के लोग मौन ही रहे हैं। वहीं इस दौरान सीएम योगी के कार्यों की गुणगान करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि राज्य में अगर किसी ने भी किसानों के हित में काम किया तो वो राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। किसानों के हित की जब भी बात इस देश में आई हमेशा कांग्रेस के लोग, चाहे प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हमेशा मौन ही तो रहे हैं। यदि किसानों के हित में बोलने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है, आदरणीय योगी जी ने किया है। कांग्रेस तो हमेशा से किसानों के हित पर मौन ही रही है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर अब हर राजनेता अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव भी 12 अक्टूबर से वृंदावन में रथ यात्रा शुरू करके अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने सोमवार को वृंदावन में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र की सरकार जनता पर लगातार अत्याचार कर रही है। तो आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, सभी पार्टियों की इसको लेकर तैयारियां भी की जा चुकी हैं। देखिए, प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, जो मौजूदा सरकार है, आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कानून व्यवस्था उनकी प्रथम प्राथमिकता रही और जो लखीमपुर में हम लोगों ने कांड देखा, हम सब ने उस वीडियो को देखा है और मैं समझता हूँ हर वर्ग का आदमी, हर समाज से जुड़ा आदमी, हर उम्र का आदमी
पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं भयभीत हो गए। और उसके बावजूद बहुत समय लगा पुलिस प्रशासन को निर्णय लेने में, और जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी भी अभी तक ना तो बर्खास्तगी हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी ने सबसे प्रथम मांग ये रखी थी कि जो मंत्री हैं उनको तुरंत सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ अभी दिखता नहीं होता। तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बेरोजगारी इस समय देश भर में फैली हुई है, व्यापारियों की क्या स्थिति, आप जानते हैं कोरोना के बाद से वैसे ही कमर टूट गई थी व्यापारियों की, किसानों की क्या स्थिति, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा उन लोगों को जागरूक करने के लिए जिनको भ्रमित करने का काम किया जा रहा है प्रदेश के अंदर, उनको जागरूक करने के लिए यात्रा निकालेंगे। उतरौला विधानसभा के भावी प्रत्याशी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब हसीब खान उतरौला पहुंचे, जहां उन्होंने दर्जनों गांवों के लोगों के साथ मुलाकात की, साथ ही सभी की समस्याओं को भी सुना है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जनाब हसीब का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान जनाब हसीब खान ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उतरौला पहुंचे जनाब हसीब खान और यहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। जन समस्याओं को लेकर यहां कुछ लोग भी पहुंचे थे जिनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनका निस्तारण भी किया गया, साथ ही साथ वो बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। हम बात कर रहे हैं देवीपाटन मंडल की। हमारा चौहान समाज का जो वोटर है, जनवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ वोटर है चौहान समाज, वो अकेला ही काफ़ी है पूरे मंडल में भाजपा का सफाया करने के लिए। हम इसी पर मेहनत कर रहे हैं और जितना भी चौहान समाज के वोटर हैं सभी को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाना, उन्हें इकट्ठा करना, उनमें नई ऊर्जा भरना, यही मेरा लक्ष्य है। यही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय चौहान ने मुझे इसका दायित्व दिया है। देखिए, भाजपा ने बहुत कुछ किया। भाजपा ने कहा 15 लाख देंगे, भाजपा ने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भाजपा ने कहा अच्छे दिन आएंगे, भाजपा ने कहा गरीबी ख़त्म कर देंगे। अब वो कुछ भी कर ले, लोगों को पता है कि ये भी एक छलावा है, कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा के शासन में कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों को 2000 रुपये दे रही है, साल में 6000 दे रही है, और डीजल उनको 100 रुपये लीटर कर दिया है। लुंगी खोल के टोपी बांध रही है, पगड़ी बांध रही है। अब खबर गोंडा से, जहां गोंडा के सर्किट हाउस में मंडल प्रभारी और जिला प्रभारी समेत जिले के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बैठक की गई। इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कर्नलाजे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। साथ ही बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति भी बनाई गई है। तो गोंडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रभारी समेत कई नेता मौजूद रहे। दरअसल आगामी चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति तय की गई है। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मंत्रियों का आना जाना प्रदेश में लगा हुआ है, तमाम बैठकों का दौर चल रहा है। इसके अलावा अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में भी आगे रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह से बूथ स्तर से शुरुआत करनी है और आगे चलकर जनता के बीच पहुंचना है। जो काम सरकार ने किए हैं वो जनता तक पहुंचाने हैं, इसके अलावा जो विकास कार्य लगातार प्रदेश में हो रहे हैं उनसे भी जनता को रूबरू कराना है। मोदी जी को, योगी जी को हराने के लिए केवल देश में षड्यंत्र नहीं, विदेश का भी षड्यंत्र रहा है। इसका एक ही उदाहरण है लखीमपुर का गठन। इसका बारे में अभी जांच हो रहा है, ये जांच का समय में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, इसीलिए जांच को ठीक करने से करना, इसी में सत्य का है वो बाहर आना, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। तो आपका क्या मानना है? जरूर जरूर, तो ये किसानों को लिए हमारे सरकार किया प्रोग्राम कोई नहीं किया अभी तक। मैंने बताया आपको, मैं स्टैटिस्टिक्स दिया, यूपीए का चुनाव का वर्ष का बजट है 23,000 करोड़, अभी 1,31,000 करोड़ हो गए। इसका क्या है,
वो तो पूरा पैसा स्टेट में जा रहे हैं, स्टेट से किसानों तक जा रहे हैं। इससे अच्छा काम को वो तो दूसरे मार्ग पे लेके जाने के लिए ये पूरा कर रहे हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे बहुत षड्यंत्र है, प्रतिपक्ष भी है, बाहर से लोग भी है, बाहर का लोग भी है। ऐसा लग रहा है, वो तो जांच हो रहा है। मैंने बताया जांच के समय एक मंत्री बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक भी नहीं है, इसीलिए जांच होने दो। सत्य क्या है, इसका षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है वो पूरा बाहर आने दो। हमीरपुर में सूचना विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का सदर विधायक और डीएम ने उद्घाटन किया। बता दें कि प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय आयोजित प्रदर्शनी में बीजेपी सरकार की ओर से किए गए कार्यों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, साथ ही लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। हमीरपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में सदर विधायक ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही साथ 4.5 सालों में सरकार ने क्या काम किया है, किस तरह की उपलब्धियां रही हैं सरकार की, वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, वो योजनाओं का लाभ किस तरह से लोग ले सकते हैं, इससे भी उन्हें जागरूक किया जाएगा। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सूचना विभाग ने एक प्रदर्शनी लगाई है और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सदर विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर 4.5 सालों में योगी सरकार ने क्या काम किए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, वो दिखाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोग कैसे ले सकते हैं, ये भी लोगों को बताया जा रहा है। त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ से दिल्ली के बीच 3 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन सोमवार से शुरू किया गया। वहीं इसको लेकर जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरपुर द्विसाप्ताहिक ट्रेन 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक 12 फेरों के लिए हर सोमवार और बुधवार को चलेगी, और ऐसे ही नई दिल्ली दरभंगा द्विसाप्ताहिक 11 से 18 नवंबर तक हर सोमवार और बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से चलेगी। यानी कि त्योहार के मद्देनजर ये सुविधा यात्रियों को मिलने जा रही है। जो स्पेशल ट्रेनें दिल्ली से चलेंगी, दिल्ली से बिहार भी जाएंगी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक ये ट्रेन पहुंचेगी। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। साथ ही आनन फानन में वीडियो को संज्ञान लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मामले में एसपी सिटी ने बताया है कि इस मारपीट की वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई भी की जा रही है। अलीगढ़ की तस्वीरें, ट्रैफिक पुलिस की पिटाई का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ शख्स हैं जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है। कल रात को एक वीडियो सामने आया है जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है, और इसमें जो पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति के बीच में मारपीट होती दिखाई दे रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और इनका पहचान कराई जा रही है। उसके बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई, आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस थाना क्षेत्र का मामला, क्या एफआईआर हुई या कोई कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ? इस प्रकरण यह कोतवाली थाने क्षेत्र में इस यह घटना घटी थी और उस पर आगे एफआईआर इसमें दर्ज की गई है और आगे विधिक कार्रवाई इसमें। ट्रैफिक पुलिसकर्मी सर कौन है, वो सिविल पुलिस का जवान है कौन है? ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी था, अब आगे इसमें जो भी प्रकरण है उसकी अभी विवेचना, अभी इसमें जांच प्रचलित है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। एफआईआर में सर क्या जिक्र है, किस बात को लेकर हुआ? हाँ, किस बात को लेकर जवाब? अभी ये विवेचनाधीन है, इसके बाद जब पूरा प्रकरण निकल के आएगा उसके बाद इसमें बताया जा सकता है। बिजनौर में हुई व्यापारी के साथ लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया और पुलिस ने लूट की योजना बनाने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों के पास से 20,000 नकदी समेत लैपटॉप और सभी सामान भी बरामद कर लिया। साथ ही सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।
तो बिजनौर में पुलिस ने लूट का खुलासा किया। चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से नगदी सहित कई सामान बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से ये पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। इसमें से दो अभियुक्तों के खिलाफ पहले से भी लूट का अभियोग पंजीकृत है। इसमें से एक अभियुक्त राजीव अग्रवाल के पास पहले से नौकरी करता था, किसी कारण से उसको निकाल दिया गया था। उसको पूरी जानकारी थी लूट के इरादे से एवं कुछ मामलों में अपमानित महसूस कर रहा था। उसका बदला लेने के लिए इतने अपने साथियों के साथ, जो सभी तीन पृथ्वीपुर के एक गंज का रहने वाला है, योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को अंजाम दिया। सभी चारों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके खिलाफ विधि अनुसार जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। शामली में एक कॉस्मेटिक की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही इस हादसे में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शामली की तस्वीरें, कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लगी। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो ये तस्कर चंदौसी और आगरा जिले के निवासी हैं और ये विशाखापट्टनम से ट्रेन के जरिए आगरा जिले से लेकर अन्य जिलों में गांजा की तस्करी किया करते थे। वही गिरफ्तार तस्करों से पुलिस ने 10 किलो गांजा समेत आधा दर्जन आधार कार्ड समेत RPF का आई कार्ड भी बरामद किया है। थाना क्षेत्र मलपुरा में तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इनके नाम हैं राहुल पुत्र दिनेश, रहमान पुत्र यासीन और सलमान पुत्र अकील। राहुल यही जनपद आगरा मलपुरा का रहने वाला है। रहमान और सलमान ये दोनों जनपद चंदौसी के रहने वाले हैं, लक्ष्मणगंज के। जब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ में पूरा नेटवर्क सामने आया है। इसमें ये जो गांजा लाते हैं वो विशाखापट्टनम से लाते हैं ट्रेन के माध्यम से। इसमें एक कल्पेंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म में केडी नाम है, केडी इसकी मदद करता है वहाँ से गांजा विशाखापट्टनम से उठाने में। ये ले आता है और यहाँ पर जो सलमान और रहमान दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये दोनों व्यक्ति बेसिकली मोंटी के बिहाफ पे काम करते हैं। मोंटी इनको बेचता है गांजा लाने के लिए, जो यहाँ से आगरा से चंदौसी ले जाते हैं, फिर वो चंदौसी में फिर उसको बेचता है। तो पूरा मोटा मोटी जो नेटवर्क हम देखें तो केडी और राहुल टॉप पे हैं। राहुल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके ले आया, उसने मोंटी को दिया, मोंटी ने अपने नीचे दो आदमी रखे हैं, सलमान और रहमान। इसके अलावा और भी इसने नाम हमें बताए हैं, अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद उस पर भी एक्शन लेंगे। जब हमने इससे इसकी तलाशी ली तो तलाशी में इसके पास से, राहुल के पास से, गांजे के अलावा जो इन तीनों से बरामद हुआ है, उसके अलावा 7 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, 1 RPF का आई कार्ड मिला है, 4 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं, 3 मोबाइल मिला है और 1 फ्लाइट की टिकट मिली है। जो इसमें आधार कार्ड है, आधार कार्ड के संबंध में पूछा गया कि इतने आधार कार्ड क्यों रखे हुए हैं, तो उसने बताया कि आधार कार्ड का प्रयोग वो होटलों में चेक इन करने के लिए करता है। कभी उसको विशाखापट्टनम रुकना पड़ा, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी भोपाल कहीं और, तो ये इसका यूज़ करता है। जो RPF का कार्ड है, ये पुलिस की चेकिंग, जो रेलवे पुलिस की जनरली चेकिंग होती है तो, या फिर किसी और स्थानीय पुलिस की चेकिंग हुई तो RPF का कार्ड देख के दिखा के बच जाता है। तो ये उसका पूरा मोडस ऑपरेंडी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।